बेला जी, क्या है ये सब? भाभी, क्या आप जानती हैं घर में क्या चल रहा है? नीलिमा भाभी ने खुद देखा, पूजा अपनी लाल साड़ी बेला को पहनाकर ऑफिस ले गई है। वो लाल साड़ी जो उसे मायके से आई थी गंगोर के शगुन पे। रहने भी दीजिए जीजी, अब इस बात में बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं समझती हूँ कि मेरी साड़ी की वजह से नरेन का ध्यान नहीं गया, लेकिन आप तो जानते थे ना कि वो नरेन है। फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं आपके जवाब के इंतजार में खड़ी हूँ बेला जी। हमारे सर पर इतना बड़ा पाप मत मढ़िए। आपने हमें सहारा दिया, हम पर इतना बड़ा एहसान किया। अगर हम आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो हम प्रवीण जी के दिल को क्या जवाब देंगे? हम पर यकीन मानिए, जैसी नरेन बाबू हमारे नजदीक आए हम बिल्कुल घबरा गए थे। हाँ, हमारा मुंह सिल गया था और जब तक हम कुछ कह पाते पूजा जी आप आ गई थी। हमें माफ कर दीजिए। आपने मेरा सिंदूर बचाया है बेला जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं ये भी कभी नहीं भूल सकती कि नरेन मेरे पति हैं, और किसी को नहीं भूलना चाहिए कि ये सच कभी नहीं बदल सकता। हमें आपके लिए काम ढूंढना चाहिए। लुक्सु, नरेन तुम्हारा खून नहीं, फिर भी हम सब उसकी बेटे की तरह इस घर में इज्जत कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूजा सिर्फ अपनी मनमानी करेगी। बाकी किसी मेंबर की तो परवाह है नहीं उसे, कम से कम अपनी प्रेग्नेंट देवरानी की तो चिंता करे। हाँ, और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक पत्नी अपनी सिंदूर को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। मतलब भाभी, लाल रंग अगर सिंदूर का है तो लाल रंग एक खतरे का भी है। आज पूजा ने अपनी शगुन की साड़ी बेला को दे दी, बल्को बेला किसी और चीज पर अपना हक न मांगे। हमारे यहाँ जो भी हैंडीक्राफ्ट बनते हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। आप भी इन लोगों को देख लीजिए और अपने मन लायक काम कोई ढूंढ लीजिए। आप यहाँ पे तब तक इन लोगों को देखिए, मैं आती हूँ। बेला जी, मैंने आपको अपना विश्वास सौंपा है, इसे टूटने मत दीजिएगा। आप ठीक तो हैं प्रवीण जी? कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मैं प्रवीण नहीं नरेन हूं, और मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। समझी? समझी या नहीं? आप समझ गए? अगर आप समझ गए होते नरेन बाबू तो यूं हमारे पीछे पीछे नहीं आते।
मैं तुम्हारे पीछे नहीं आता, तुम ही मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कुछ भी प्रवीण जी, हम आपके दिलो दिमाग पर छा चुके हैं, नहीं तो इस वक्त हम आपके सामने नहीं, आपकी पूजा आपके सामने होती। देखिए मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे दूर हो, दूर हो मुझसे तुम। पूजा, 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 इसे कह देना मेरी नजरों के सामने भी ना आए, नहीं तो इसके नकली आंसू को फिर से मौका मिल जाएगा। और आप अपने जाली भावनाओं को अपने अंदर ही रखें तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। हमें नकली कहा था ना, हमारे दर्द को जाली बताया था, अब हम आपको बताएंगे असली दर्द का होता है। नरेन, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई बेटा, ये प्रेजेंटेशन के बीच में तुम्हें हो क्या गया था? आप पलंग तोड़ प्रेजेंटेशन बनाए थे भैया, ये भोजपुरी भाषा, ये गाने वाने एंड ऑल दैट। एक्चुअली सर, मुझे लगता है नरेंद्र सर बिहार के लोगों पे ज्यादा रिसर्च करते करते जो उनको भी रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हो रहा था, और जो उनका नया ड्राइवर है क्योंकि हमेशा वो भोजपुरी गाने लगा कर बैठा रहता है। वैसे नरेंद्र, बिहार के प्रोजेक्ट में तुम्हारा ये भोजपुरी टच बहुत अच्छा था। Look at this, ऐसा गरीबों वाला खाना बनाया है and she expects us to eat this. अगर ये खाना बेला ने बनाया है तो सुरभि इस खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। हर्षा, क्या अब हम रोज रोज एक ही बात पर बहस करेंगे? तो बाबूजी, आप बहस की वजह को घर से निकाल क्यों नहीं देते? कैसे निकालेंगे मोम, वो क्या है, इस घर में कुछ लोगों की नाजायज डिमांड भी ना जायज लगती है सब। एनफ राहुल। और कुछ लोग ये बात जानकर भी समझना नहीं चाहते। इससे पहले कि सब एक दूसरे से लड़ना शुरू करें, भाभी सुरभि के लिए कुछ ढंग का बनवा कर कमरे में भिजवा दीजिएगा। इस विधवा के हाथ का बनाया हुआ सुरभि को मैं छूने तक नहीं दूंगी। चलो बुआ जी, सुरभि के लिए मैंने अपने हाथों से सादा खाना बनाया है। बड़ी मेहरबानी हुई बेटा, पर जिस तरह तुम अपनी सहेली की भक्त बनी हुई हो, मुझे तो डर है कहीं इस साड़ी के साथ साथ घर की चाबी भी ना पकड़ा दो उसे। बुआ जी, मेरी जिंदगी में रंग बेला जी की वजह से है, तो फिर बार बार आप लोग ये बात क्यों उठा रहे हैं? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हें तो सबकी पंचायती करनी है, अपने घर बार को छोड़कर बाकी लोगों के दुख दर्द बांटने हैं, है ना? संभल जाओ पूजा, कहीं देर ना हो जाए। चलो सुरभि आजा। बुआ जी, पूजा ने कहा ना कि उसने खाना खास मेरे और नरेन के हिसाब से ही बनाया, तो फिर सुरभि, तुम्हें बुआ जी से ज्यादा पता है, जाओ कमरे में। चलो आजा। पूजा जी, हम अपने कमरे की तरफ जाते हैं, हम आपके घर के कलेश का कारण नहीं बनना चाहते। बेला जी, इतना बड़ा एहसान भी नहीं किया इस बेला ने कि उसके सिवा तुम्हें और कुछ समझना है।
इसी संदूक में हम आपकी लाश सजाएंगे प्रवीण जी, उर्फ नरेन बाबू, और वो भी आज ही की रात। अच्छा किया पूजा, जो तुमने बेला को हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में काम दे दिया। इसी बहाने बिजी भी रहेगी और उसका मन भी लगा रहेगा और भाई का भी दिल बहल जाएगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि एक विधवा ऑफिस में क्या क्या हुनर दिखाएगी। पर अच्छा है, इसी बहाने भाई अपनी तिरछी नजरें तो सेक पाएंगे। Shut up, Rahul! And you better mind your language, okay? क्या था जी? अब इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? And who knows, भाभी जी अपनी मर्जी से बेला रानी को ऑफिस लेकर जा रही हैं या इसके पीछे भी आइडिया भाई का है? कमाल है राहुल, कुछ लोगों को कितने भी थप्पड़ पड़ जाएं लेकिन असर होता नहीं है बिल्कुल भी। लगता है आप अपने कारनामों की लिस्ट भूल गए हैं। तिरछी नजरें किसकी है और अपना मन बहलाने के लिए कौन क्या क्या करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हेलो, आप कहना क्या चाहती है मैडम जी? हिम्मत है तो साफ साफ मुंह पर बोलिए। ठीक है, आपकी क्लैरिटी के लिए साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस घर में किसी की नजरें तिरछी हैं, तो वो आपकी है मिस्टर राहुल व्यास। किस हक से बढ़ कर बोल रही है मैडम? लेट मी रिमाइंड यू, इस घर में भले ही बाहें फैला फैला कर आपको और भाई को सगा मान लिया हो ना, सच कभी बदलता नहीं। Enough! तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, पूजा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मैडम खुद बीच में आई है और उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो क्या है, नेतागिरी का चस्का ना आसानी से जाता नहीं। तुम तो समझदारी दिखाओ, प्लीज छोड़ दो। बस करो, बस करो तुम दोनों। इस तरह खाने की टेबल पर दोनों भाई एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? कुछ नहीं तो कम से कम अपने दादाजी का लिहाज तो किया होता। सबकी जड़ एक ही है, आज मैं उसे एक मिनट भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। अरे ये अचानक लाइट्स को क्या हो गया? मनोज, चरण, जाकर चेक करो। कल इस घर में हमारे पैर पड़ते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया, ये संजोग था। लेकिन आज जो होगा वो नियति है। आज के बाद आपका दिल नहीं धड़केगा प्रवीण जी, और हम उसे धड़कने नहीं देंगे। आउट हाउस में रेनोवेशन हो रहा है, नरेन खुद बिजली का काम संभाल रहे हैं। अब हर तार से करंट दौड़ेगा और आपके हाथ लगाते ही आपका शरीर हिल उठेगा नरेन बाबू। बाबा, आसपास की लाइट्स तो ऑन है, मैं मीटर चेक करके आता हूँ। पूजा, मेरा टूल बॉक्स कहाँ है? वो तो पुराने वाले कमरे में ही है। ओके, मैं देख के आता हूँ। मैं हूँ, रिलैक्स। वो एक्चुअली लाइट चली गई थी तो टूल बॉक्स लेने आया था। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। इट्स ओके नरेन, इट्स ओके। तुम प्लीज आराम करो।